हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है ऑन इफेक्टिव जॉब यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग की पहली क्लास है, काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गिनती चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स, जो बहुत ही शानदार तरीके से चलेगा। अगर आपने आज तक त्रिभुजों की संख्या गिनना नहीं जाने हैं तो आज इस क्लास में आप एकदम सही से जान जाएंगे, जीवन भर कभी भी भूलेंगे भी नहीं। बहुत ही शानदार क्लास चलने जा रही है, तो क्लास को शुरू करते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस पर बात करते हैं आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना, इसमें जो है त्रिभुज, इसमें जो 80% चांस रहते हैं इसी में से त्रिभुज से क्वेश्चन बनेगा। वर्ग से जो है 10% चांस रहते हैं, और आयत से 5% चांस रहते हैं पेपर बनने का। 80, 10, 90, 5, 95% हुए, और 5% सर कहाँ गए? तो 5% चांस रहते हैं सरल रेखा और वृत्त से क्वेश्चन बनने का। सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं त्रिभुज से क्वेश्चन बनने का। आज एकदम बेसिक चलेगी। पहला क्वेश्चन, इसमें कितने त्रिभुज हैं? कोई अगर पूछे आपसे तो आपको पता ही होगा कितने त्रिभुज हैं, कमेंट में बताइए कितने त्रिभुज हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसमें कितने त्रिभुज हैं? तीसरा क्वेश्चन, आप भी मेरे साथ साथ बनाइए इसको। ये हो गया चौथा क्वेश्चन, ये हो गया। आज बेसिक चल रही है एकदम, त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे। अगर इसमें पूछे पहले में तो इसमें एक ही त्रिभुज है, ये एक ही त्रिभुज है इसमें। इसमें त्रिभुजों की संख्या अगर पूछा जाए तो एक है। अगर इसमें पूछा जाए तो इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या है, काउंट कर लेंगे, एक दो, एक दो, दो तो छोटे हो गए, और एक ये जो है ये वाला, देखिए ये जो है ये बड़ा वाला, तीन। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तीन। और इसमें बात करते हैं तो इसको भी काउंट कर लेते हैं, एक दो तीन चार, तो इसमें कितने हैं? चार तीन सात, दो नौ एक दस। इसमें भी त्रिभुजों की संख्या 10 है, और इसको देखेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात। अब इसमें अगर देखेंगे त्रिभुजों की संख्या तो और भी समय लगेगा। पेपर में सब चीज़ होता है बट टाइम ही नहीं होती हमारे पास करने के लिए। तो इससे आसान तरीका जो है त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए, एक फार्मूला होता है n इंटू n प्लस वन अपान टू। यही फार्मूला आप ऐसे सवाल को, चाहे
ऐसे भी और भी बड़ा सवाल दे दे, उसको भी बहुत आसानी से आप कर लेंगे। जैसे इसको देखिए, यहाँ पर ये फार्मूला लगाते हैं, यन की जगह एक दो, दो काउंट दो हैं खाने, तो दो गुणे और यन दो हैं, तो दो ए हो गया और एक यहाँ पर है, तीन हो गया, तो तीन दो के आगे उसके बाद क्या आता है, तीन, तो दो बटे दो से दो कट गए, बचे तीन, आंसर आ गया बहुत ही इजी में। और इसमें देखना है तो चार है, चार के आगे क्या आता है, पाँच, तो पाँच कर दीजिए और पाँच टू, दो से काट दीजिए, दो पंचे 10, इसका भी राइट आंसर आ गया। और इसका भी, इसमें भी सात हैं, तो सात तक हैं, एक अपना अलग से बढ़ा लीजिए, आठ गिन लीजिए कितने हैं पहले, तो उसके बाद अपना एक बढ़ा लेना, एक प्लस कर लीजिए, बस सात है, सात गुणे आठ अपान टू, चार, सात चौक 28, इसमें त्रिभुजों की संख्या 28, यही आपका राइट आंसर हो है। अगर कितने भी क्यों ना बड़े सवाल दे दे, तो आप इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में ये सवाल एग्जामिनर ने दे दिया, ऐसे दे दिया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक और बढ़ा लीजिए 10। अब इसे हल करने में वैसे जोड़ेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, तो सीधा फार्मूले पे धर दीजिए, 10 है काउंट कर लिए, 10 खाने हैं, तो 10 गुणे 11 कर दीजिए अपान टू, एक बढ़ा लीजिए, 10 है तो एक 11 करके बढ़ाकर उसके बाद इसको काट दीजिए, 5 11 पचे 55, राइट आंसर आपका ये 55 आ गया। आप ऐसे इस तरीके से इस टाइप के सवाल जितने भी हैं, इसी फार्मूले से आप त्रिभुजों की संख्या बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बात करते हैं अगले नेक्स्ट टाइप की। अभी आप ऐसे ही सिंपल सवाल हल कर रहे थे, अब एग्जामिनर ने ऐसे सवाल बनाया और इसको क्रॉस कर दिया, काट दिया, लीजिए इसमें भी दो हिस्से कर दिए, इसमें भी हिस्से कर दिए, ऐसे फिगर दे दिया, ऐसे त्रिभुज दे दिया। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है, तो बहुत ही शानदार तरीके से आप इसको भी हल कर लेंगे, जो कभी भूलेंगे भी नहीं। अब मान लीजिए ये आप जो लाइन एक कमरे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक दीवार हो गई, तो वो दो हिस्से हो गए हैं, बस इसका मतलब यही है। इसमें जो है, इसमें तीन हिस्से हो गए हैं, इसमें जो है चार हिस्से हो गए हैं, बस इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे पहले हल किए थे, तो काउंट किए थे, एक और दो तीन, तीन हो गया तो इसका, और प्लस कितने हिस्से हैं, एक हिस्से दो हिस्से, जितने भी हिस्से हो उसमें दो से गुणा कर दीजिए, क्लियर, 6, राइट आंसर आपका 6 हो गया। ऐसे इसका भी, ये भी सवाल हल करेंगे, काउंट करेंगे, एक दो तीन, तीन दुई पाँच, एक 6, 6 आया, कितने हिस्से हैं इसमें, एक हिस्से दो हिस्से और तीन हिस्से, तो इसमें तीन से गुणा कर देंगे, तो त्रिभुजों की संख्या इसमें 18 है, राइट आंसर ये हो गया आपका। और इसके बाद इस पर आते हैं, आप सब लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, काउंट करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, इसमें 10 है, अभी इसमें जोड़े थे कितना आया था, 55, 55 गुणे, और कितने हिस्से हैं इसमें, एक दो तीन चार, जितने हिस्से हैं उससे उतने इसमें गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20, हासिल 2,
5 × 20 = 22, 220। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 220। आपका यही राइट आंसर है। उम्मीद है अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर एग्जाम में ऐसे सवाल आ गए तो आप बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकते हैं, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं अगले टाइप पर। तीसरी टाइप, पहला क्वेश्चन, आप भी मेरे साथ साथ बनाइए। दूसरा क्वेश्चन, अब एग्जामिनर ने दो लाइन खींच दी, आप बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्जामिनर ने और ये एक लाइन बढ़ा दी। चौथा क्वेश्चन, एग्जामिनर ने इसमें भी और बढ़ा दी। साथ साथ बनाते रहिए आप भी, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऐसे सवालों को आप 5 सेकंड में हल करेंगे, देखते ही बिन पेन उठाए ही आप सब लोग हल करेंगे। बस बने रहिए वीडियो के साथ। नोट में लिखेंगे जब किसी वर्ग या आयत के अंदर दो या दो से अधिक रेखा अधिक रेखाएं रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कुल खानों का 2 गुना कर देते हैं। नोट्स में ये लिख लेंगे, नोट्स में, जब किसी वर्ग या आयत के अंदर दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कुल खानों का 2 गुना कर देते हैं। आप सब लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? एक एक ये एक ये, मतलब इसमें 2 है। आपका आंसर 2 होगा। इसमें कितने हैं इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4, तो 4 हैं। तो 4 तो त्रिभुज। उसके बाद क्या अभी नोट्स में लिखवाए थे आपको, जब किसी वर्ग या आयत के अंदर दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कुल खानों का 2 गुना कर देते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स कुछ करना नहीं, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, तो इसमें 8 आ जाएगा। त्रिभुजों की संख्या इसमें 8 है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी बहुत ही अच्छे से कर देंगे, वैसे ही सेम 1 2 3 4 4 5 6, 6 तो काउंट हो गया 6, और 2 गुना करना है हमें, 2 से गुणा करना होगा, 2 × 6 = 12। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आया? 12। राइट आंसर 12। इसमें भी काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 है, उसके बाद 2 से इसको गुणा कर देंगे, 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 16। राइट आंसर 16, इसमें त्रिभुजों की संख्या 16। आप सब लोग अच्छे से समझ गए होंगे, चलते हैं नेक्स्ट अगले टाइप पर। सात सात चित्र बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, तो फिर उम्मीद है आप सब लोग भी चित्र बना लिए होंगे। तो ध्यान से देखिए, इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या, ये वाला खाना भी छोड़ दीजिए, ये वाला छोड़ दीजिए, सिर्फ एक ही खाना देखिए, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। कभी उधर हल किए थे तो इसमें 8 है, 8 आई थी ना, 1 2 3 4 काउंट करके 4 और गुणे 2 किए थे, दोगुना किए थे तो 8 आया था, तो इसमें 8, तो वही 8 इसमें और 8 इसमें, 8 8 कितने हो गए, 16। अभी तक 16 हुए। और उसके बाद जो यहाँ पर जॉइंट बना है, ये वाला देखिए, ये वाला और ये वाला, दो त्रिभुज और भी इसमें त्रिभुज देखिए कहाँ से बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ से ये होते हुए ऐसे ऐसे, ये बड़ा वाला ये वाला बना रहा, और एक त्रिभुज ये वाला, ये ऐसे ऐसे ये भी बना रहा है, तो दो त्रिभुज और बने तो हो गए 18। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी, 18। ये आपका राइट आंसर है। अब इसमें देखेंगे, इसमें 8 और इसमें 8, इसमें 8, 8 कैसे हैं पता ही है आपको, जैसे उधर बताए थे आपको, ये तो इसमें काउंट किए थे 1 2 3 4, 4 हो गए। तो 4 का ऐसे ही अगर सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो 4 है तो 4 का 2 गुना कर देंगे, अगर 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो 8, तो 8 त्रिभुज इसमें हो गए, यही हुआ ना, इसका मतलब यही हुआ। तो अब यहाँ पर देखेंगे जॉइंट कितना है, 8 आठ आठ, 8 2 16, 8 3 24, त्रिभुजों की संख्या इसमें 24। अब जॉइंट देखेंगे कितने जॉइंट हैं, एक जॉइंट यहाँ पर है, एक त्रिभुज यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, मतलब 4 जॉइंट हैं, तो 4 त्रिभुज और बनेंगे, तो 4 हो गए, तो 24 4 28, त्रिभुजों की संख्या 28। राइट आंसर ये हो गया। अब अगले सवाल में बात करते हैं, इसमें काउंट करते हैं कितने त्रिभुज, 1 2 3, इसमें उकर लिए तो इसको गिन लिए, 1 2 3 4 5 6 7, 8 7 56, इसमें 56 हो गए प्लस। अब इसमें जॉइंट देखना है कितने जॉइंट हैं, जॉइंट जब दो आपस में मिलते हैं जैसे ये है, तो ये जब मिलेगा तो यहाँ पर एक जॉइंट बनेगा, तो वहाँ पर एक त्रिभुज बनेगा आपका, तो यहाँ पर एक त्रिभुज ये है आपका, उसके बाद एक जॉइंट यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे, एक जॉइंट यहाँ, एक जॉइंट यहाँ, एक जॉइंट यहाँ बन रहा है, एक जॉइंट यहाँ, 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 यहाँ भी, यहाँ भी, तब जॉइंट भी काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6,
अच्छा दूनी 12, तो 12 जॉइंट हो गए, तो इसमें जोड़ देंगे 6 2 8, 5 1 6, 68। इसमें त्रिभुजों की संख्या 68 रहेगी। यही आपका राइट आंसर है। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बेसिक चीज़ था जो आज तक कभी आपको समझ में नहीं आया होगा, त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे। इसकी आगे की वीडियो कल हम मिलते हैं इसकी आगे की वीडियो में। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी वीडियो डेली पड़ती रहेगी वो आपको जल्द से जल्द मिलती रहेगी। धन्यवाद।